ते नमाज भी आदी मर्जी दी नहीं पैगंबर दे तरीके से पढ़िए, जकात आदी मर्जी दी नहीं पैगंबर दे तरीके से अदा करिए, रोजे आदी मर्जी दे ना रखिए पैगंबर दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक रखिए, फिर हां असि पक्के मोमन, फिर हां पक्के मुसलमान। दोस्तों ये गल्लां इख्तलाफ दियां ने, ये गल्लां इख्तलाफ दियां ने, ये गल्लां रौला पांदियां ने। अल्लाह अकबर, इन्हां दे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं, इन्हां दे अंदर कोई रौला नहीं, इन्हां दे अंदर ए है जिसका कलमा पढ़ी दा उसकी गल मन्नी दी, उसके आखे लगी दा उसके पीछे चली। अल्लाह अकबर, अल्लाह, जबानी इकरार हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, असी गवाही देने हां अल्लाह तो इलावा कोई इबादत दे लायक नहीं, कोई मुश्किल हल करने वाला, कोई मुहताजियां दूर करने वाला, कोई तंगियां दूर करने वाला, कोई तुरसियां दूर करने वाला, ते असी दादा समझ लिए अपनी बादशाहत नु, दादा समझ लिए अपने हवाओ हवस नु, दादा समझ लिए किसी होर नु राजक ते रोजी रखा। अल्लाह अकबर, मैं किसी होर की बात क्यों करिए, असी कहने झूठ ना बोलीए साड़ी दुकान नहीं चलनी, असी कहने प्रेम ना करिए साड़ी दुकान नहीं चलनी, सब तो वड्डा धोखाबाज ओ वड्डा सब तो दावेदार बंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ये सुन्नत दा। अल्लाहु अकबर, मुसलमानां नूं मुसलमान धोखा दे रहे ने, फिर कहंदे असी मुसलमान, असी राजक ते रोजी दा दावा समझ लिया कि केवल साड़ी दुकान ते ना लगी, साड़ी दुकान नहीं चलनी, शायद इस दे नाल साडी रोजी का सारा बंदोबस्त किहड़ा है ना, इस केबल दे नाल है, डिश दे नाल है, टीवी साडी दुकान दे अंदर पिया होया, फिल्मां चल रही होणगियां, साडा कारोबार वसी हो जाएगा। उस राजक नूं राजक समझिया ही नहीं, उस मालिक नूं दादा समझिया ही नहीं। अल्लाहु अकबर, इसे तरह जनाब हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दा अगर असि कलमा पढ़िया है, मोहब्बत उसकी दिल के अंदर होनी चाहिए और अमलन साबित होना चाहिए कि वाकई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ने वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाला है। कलमा नबी दा पढ़ के तकलीद गैरां दी करनी, कलमा नबी दा पढ़ के आखे गैरां दे लगना, कलमा नबी दा पढ़ना है पिछे होरां दे चलना है, इस चीज दे ना इस चीज नूं तो मोहब्बत नहीं कहनी। अल्लाहु अकबर, ये तो फोका फिर दावा ही है, ये फोका दावा ही है अकीदत, लेकिन दिल दे अंदर कोई चीज नहीं। आओ मैं इस चीज के मुतालिक बहुता दूर निकल गया, मैं अपने मजमून नु बयान करा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, असी अल्लाह के उसके रसूल के अमर के ताबे मुती, अल्लाह के उसके रसूल ने तकलीद के मुतालिक ना कुरान के अंदर ना हदीस के अंदर किसे भी बयान नहीं तकलीद, बल्कि पुराने पाक के पूरे जखीरे के अंदर तकलीफ का लफ्ज ना ही सलफ सालेहीन तो साबित। कुरान और हदीस के अंदर खुदा और उसकी रसूल के मुतालिक जेड़े अल्फाज मजबूर ने, इन्हों तमाम मुस्तकात के समैत अगर बयान किया जाए तो कुराने पाक में पूरा फरोलिया जाए ना, उसके अंदर लफज आता अतीयू, अतात करो, अते अतात का राखे अता ना युतीयू युते, ये लफज पुराने पाक के अंदर आते हैं, या दूसरे अंदाज इत्ताबिऊ अत्तबाना अत्तबे, अदाद करना पीछे करना, पीछे लगना मगर चलना, दो ही किस्म के अल्फाज पुराने पाक के अंदर ने। थोड़ा जा गहरी नजर के नाल मुतालिया करिए, तकरीबन 250 मुकामात ऐसे है जिसके अंदर अदाद के इत्तबा के अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, खुदा ताला तो वड्डा कोई अदीब नहीं हो सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वड्डा अदीब कायनात के अंदर जमया ही नहीं,
जेड़ा लफ्ज अल्लाह ते उसके रसूल वास्ते ज्यादा पसंद किया है ना अल्लाह ने अपने वास्ते अपने रसूल वास्ते ओही कुरान दे अंदर बयान किया है यानी मेरे पैगंबर की अतात कर लो जिसने मेरे रसूल की अतात की उन्हें मेरी अतात की अतात का मैना आते लग रहा कहा मनना अल्लाह अकबर इतने बाद मैना पीछे चलना अतात अल्लाह की भी करनी उसके रसूल की भी करनी पीछे चलना उसके रसूल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कुरान के अंदर यही हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और अल्लाह ताला ने अपनी जात के मुतालिक बयान की थी इस तो अलावा कोई और चीज बयान नहीं की थी हां कलाते का लफ्ज इमाम बुखारी ने सही बुखारी शरीफ के अंदर बयान किया है लेकिन उसने इंसान के नाल नहीं जोड़िया इमाम बुखारी ने बाब बनया है बाब तकलीद अल हदी बाब तकलीद नाल ये जानवर के गले के अंदर पटे पाए जाते सन उस मौजू से इमाम बुखारी ने बाब बनया हज के मौके से जो हज करने वास्ते जाते ना तो उन्होंने कुर्बानिया वाले जानवरों के गलिया के अंदर पटे बन देते सन यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर किसी जानवर को कुर्बानी वास्ते लैके जाना है तो उसके गले के अंदर पटा पाया जाता है इस वास्ते बतौर निशानी ने बतौर निशानी दे कि लोग समझन ये कुर्बानी वाला जानवर जाहल लोग सुन अरब दे बड़े चोरियां करते डाके करते लेकिन वो फिर भी कुर्बानी दे हज दे अरकाना का मनासक का वो बड़ा आदर करते कुर्बानी दे मनासक का उन्होंने दिलों के अंदर बड़ा एहतराम से लखा डाके मारते लखा चोरियां करते लेकिन पता लग जाता ना यह पैसा कुर्बानी वास्ते पाया बैतुल्ला वास्ते पाया उन्होंने चोरी नहीं करते ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਟੇ ਗਾਏ ਬੱਕਰਾ ਦੁੰਬਾ ਛਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਟੇ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰ ਲੋਕ ਡਾਕੂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅਤਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਾਦੇ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅਤੀ ਅੱਲਾਹ ਵਾਤੀ ਰਸੂਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਤਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਤਬਾ ਆਇਆ ਕੁਲ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅੱਲਾਹ ਫਤਾ ਬਿਉਨੀ ਯੁਹਿਬੁਕੁਮ ਅੱਲਾਹ ਇਤਬਾ अगर तुसी पैगंबर दी इत्तेबा करोगे पैरवी करोगे उन्दे पिछे चलोगे फिर अल्लाह ताला तुहानू अपना महबूब बना देगा इत्तेबा भी इसका लफ्ज़ है ताबा तबीया अगर अरबी ग्रामर नू देखा जाए मुंजर दे अंदर अगर डिक्शनरी नू देखा जाए ना उन्दे अंदर तबीया गाय दे उस बछड़े नू कहंदे जिहड़ा एक साल दा होवे गां दे बच्चे उस बछड़े नू कहंदे ने जिहड़ा एक साल दा होवे बच्चे बच्चे नू वेख्या होएगा जिहड़ा एक साल दा बच्चा होए ना वो की करदा वेखदा है मां ने जिथे मुंह मारिया उथे मारदा जिहड़े पासे वो जाएगी मगर भज के जाएगा जिहड़े पासे बैठेगी वो बैठ जाएगा खड़ी होएगी खड़ा हो जाएगा जिहड़े पासे वो जाएगी हूबहू वो मां दी पैरवी करदा है इसे लिहाज दे नाल अल्लाह ताला ने इत्तेबा दा लफ्ज़ बोलिया कि पैगंबर दी चाल दी तरह चाल रफ्तार दी तरह रफ्तार जिवें उन्हें सोना है उवें असी सोना है जिवें उसने पहनना है उवें असी पहनना है उठना बैठना सोना जागना कारोबार जो कुछ भी है जिवें साडे पैगंबर ने करना
दिता उवे ही असी करना। एक होर भी लफज है कि जदों एडे के बछड़े छड़ी दा ना वह सारे जानवरों छड़ा के भज के आदि मां दे कोल।